अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मेरी मम्मा बना रही है शकरकंदी और ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त तरीके से बनाती है मेरी मम्मा। तो चले पूछते हैं उनसे कैसे बनेगी। ये जो है अस्सलाम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? देखें ये जो शकरकंदी है, ये मैं इसको बनाने को तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे चल के। तो जी व्यूवर्स, ये देखें शकरकंदी वॉश हो रही है, इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा धोएंगे। देखो इसकी मट्टी वगैरह होती है ना, इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। बिल्कुल देखें ये धुल के, बिल्कुल देखें मट्टी इसकी बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब हम इसी तरह सारी शकरकंदी को धो लेंगे, उसके बाद फिर देखें बताते हैं क्या करना है। देखिए व्यूअर्स, ये हमारी शकरकंदी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई है, मट्टी इस पर बिल्कुल भी नहीं है। अब सबको धोने के बाद हम इसको अच्छे से कपड़े से खुश करेंगे, इसके बिल्कुल भी ना इसमें पानी ना रहे, बिल्कुल खुश हो जाए अच्छे से। ये देखें सूती कपड़े से इसको बिल्कुल खुश कर लेगा। सारी शकरकंदी को हम पहले इसको अच्छे से सुखा लेंगे। देखें बिल्कुल खुश हो चुकी है। इस तरह हम सारी शकरकंदी को साफ़ करेंगे अच्छे से कपड़े से। देखिए व्यूअर्स, ये हमने अच्छे से कपड़े से इसको खुश कर लिया था, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई हैं। अब हम अपने हाथ पे देखें थोड़ा सा ऑयल लेके, कोई सा भी ऑयल लेके दोनों हाथों पे लगा के, और इसको देखें शकरकंदी को अच्छे से इसके ऊपर नीचे पूरा लगा लेंगे। इसके ऊपर इसी ये जो हमने एक दफ़ा हाथ में लगाया था, उसी सारे शकरकंदी में अच्छा सा लग जाएगा। ये देखें ये तेल जो ना पूरा, ये देखें अच्छा सा लग गया है इसको। अब हम इसको हीट होने के बाद पकने के रखेंगे अपने पैन में। ये देखिए हमारा पैन जो हम जो है हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम अपने शकरकंदियाँ जो है इसमें आराम से रखेंगे इसे। देखिए व्यूअर्स, हमने तीनों में ऑयल लगा दिया शकरकंदी के अंदर, हमने इसमें बर्तन में रख दिया है और बर्तन को हल्का सा गर्म कर लिया था। अब हम ज़रा सा पानी लेके, फिर इतना सा पानी लेके इसको छीटा देंगे, बस बस इतना छीटा देंगे और इसको ढक देंगे अच्छा सा पकने के लिए। अब देखिए कितने टाइम में पक जाती है, 15 से 20 मिनट लगते हैं वैसे इसको। अब जब पक जाएगी तो आपको दिखाते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हमारी जो शकरकंदी है बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी हो चुकी है। ये मुझे 1.5 घंटा लगा था, मैंने चेक कर लिया इसको, बिल्कुल अच्छी सी गल गई है। अब आप लोग भी जो है ना, आप लोग जब डालेंगे तो चेक करते रहिएगा, आधे घंटे पौन घंटे मेरा 1.5 घंटे में बहुत अच्छी सी बन गई है। अरे मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए व्यूअर्स, हम कट कर रहे हैं और ये देखें आपको दिखाते हैं। ये देखें बिल्कुल अच्छी सी हो चुकी है, अच्छी बहुत गर्म है। देखिए व्यूअर्स, का छिलका कितना आराम से उतर रहा है, ये देखें आप इस तरह उतारिए इसको। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इससे मेरा हाथ नहीं लग रहा है इसमें। ये देखें आराम से उतर जाएगी सारी। अब मैं सारी छील के आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये हमारी शकरकंदी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और यकीन करें बिल्कुल भी कच्ची नहीं है, बहुत सॉफ्ट है और बगैर पानी के पकी है। जैसे बता दें वैसे ही बनाइएगा, बहुत मज़े की लगती है ये। और देखिए कितनी नरम कितनी है, देखिए। और इस पर ना लाल मिर्च और नमक मिला के जो मिक्सचर होता है उसको छिड़क के आप लोग खाइएगा और ज़रूर बनाइएगा। मुझे बताइएगा आप लोग को कैसी लगी रेसिपी मेरी, ये बनाने का तरीका कैसा लगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग के लिए बनाया, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, बताइएगा कैसा लगा। तो जी व्यूअर्स, शकरकंदी तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार लगती है। बाहर जैसी शकरकंदी लगती है, इसे बाहर ठेलों भी मिलती है, बिल्कुल वैसे ही शकरकंदी तैयार होती है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसी लगी बनाने का तरीका मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक। तो जी बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बहुत सारा लाइक बहुत सारा सब्सक्राइब करा करें और बहुत सारा अपनी वॉच टाइम दिया करें मुझे, ताकि मुझे पता चले। तो और जी बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो, पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर। जब तक के लिए तो बहुत सारा ख्याल रखिए, किसी और वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।